सो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट है 8 लाख रुपए ऑन रोड और अगर आप एक नई प्रीमियम हाई एंड फीचर के साथ आने वाली कार खरीदने का विचार बना रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको टॉप 5 ऐसी कारों के बारे में जानकारी मिलने वाली जो कि 8 लाख के बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, और ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि 2022 में आपको बेस्ट कार अंडर 8 लाख के बारे में बताएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो हमारी लिस्ट में बात करें हम 5th गाड़ी की, तो वो है मारुति सुजुकी बलिनो। हाल ही में लॉन्च हुई थी और ये एक अपडेटेड मॉडल है। अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जिसमें आपको थोड़ी न्यू फीलिंग आए, रिलायबिलिटी प्रीमियमनेस के साथ थोड़ी बहुत सेफ्टी भी हो, साथ ही उसके साथ आपको लुक्स काफी प्रीमियम मिले, तो आप इस कार को खरीद सकते हैं। ये लगभग आपको बेस वेरिएंट सिग्मा पेट्रोल वेरिएंट आपको 7.5 लाख रुपीज के आसपास देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इसका डेल्टा वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 8.48 लाख रुपए का देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर बजट आपका कम है तो आप सिग्मा वेरिएंट लेके 50-60,000 रुपीज लगा के अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड करा देते हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेसिक जो पावर विंडोज और ये सब फीचर्स है इन्हें, तो आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। इंजन भी इसका काफी ज्यादा पंची इंजन है, काफी पावरफुल इंजन आता है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको 1197 सीसी का इंजन मिलता है पेट्रोल, जो कि 88.50 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 22.35 km तक का माइलेज ये गाड़ी जनरेट कर देती है। माइलेज के मामले में बलिनो नंबर 1 पे आती है। इसके बाद एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की, तो ऐसे आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट एंड रियर में पावर विंडोज मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, साथ ही इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है, लूप फ्यूल, रियर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में। तो वन ऑफ द प्रीमियम कार है अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अंडर 8 लाख रुपीज में। सो बात करें हम 4th गाड़ी की, तो 4th है रेनॉल्ट की काइगर। रेनॉल्ट काइगर भी वन ऑफ द प्रीमियम कार है, अगर आपका बजट कम है तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है निसान की मैग्नाइट का। दोनों ही कार जो है वो सेम बजट की कार है और ये एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, सिर्फ इनका जो एक्सटीरियर और इंटीरियर वो अलग है, बाकी फ्रेमवर्क और जो इंजन है वो सिमिलर है क्योंकि प्लेटफॉर्म एक है। इसका बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको RXT वेरिएंट लगभग 8,20,000 रुपीज का ऑन रोड मिल जाता है, जो कि फीचर्स के मामले में आपको काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। बात करते हैं इसके फीचर्स की RXT वेरिएंट के, तो इसमें आपको 1.0 लीटर का 999 cc का एनर्जी पेट्रोल वेरिएंट मिलता है, जो कि 71.01 bhp पावर 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो 19.7 km तक का इसमें आपको माइलेज मिल जाता है, और हाईवे पे जो माइलेज है वो 17 km तक का आपको मिल जाता है। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि 4 स्पीकर के साथ आता है, साथ ही इसमें फ्रंट एंड रियर में स्पीकर भी मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें, इसमें आपको SH जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सारे ही आपको इसमें मिल जाते हैं, बाकी आपको रियर स्पॉइलर, व्हील कवर, सब कुछ आपको इस गाड़ी में कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, तो वन ऑफ द प्रीमियम कार आप इसे कह सकते हैं। 3rd गाड़ी की बात करें तो वो है रेनॉल्ट की ट्राइबर। अगर बात करें अंडर 8 लाख में 7 सीटर कार की, तो वन ऑफ द प्रीमियम और एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। रेनॉल्ट ट्राइबर का 8 लाख रुपीज में काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट RXT वेरिएंट आ जाता है, जो कि टॉप सेलिंग वेरिएंट माना जाता है। 8 लाख ऑन रोड में आपको ये वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आपको 999 cc का 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 71 bhp की पावर 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 20 km तक का माइलेज मिल जाता है। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। सो वन ऑफ द प्रीमियम फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। बाकी इसमें आपको व्हील कवर, रियर स्पॉइलर, सब कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। रेनॉल्ट ट्राइबर 7 सीटर कार में 8 लाख में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार मानी जाती है। सो बात करें हम इस बजट में 2nd कार की, तो वो है टाटा अल्ट्रोस। टाटा अल्ट्रोस वन ऑफ द प्रीमियम कार है, जो कि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है। 8 लाख रुपीज में आपको काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका मिल जाता है। 8 लाख रुपीज में बेस्ट वेरिएंट की बात करें पेट्रोल में, इसका आपको XM प्लस वेरिएंट 8,15,000 रुपीज का ऑन रोड देखने को मिल जाता है। XM प्लस वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट जिसमें आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए अल्ट्रोस की, कार की खास बात यह है कि ये 5-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। सो वन ऑफ द प्रीमियम कार इसे कह सकते हैं, हैचबैक सेगमेंट की सेफ्टी वाइज नंबर 1 कार इसे कह सकते हैं कंपेरेटिवली अदर प्रीमियम हैचबैक कार्स है। इसमें आपको 1199 cc का 1.2 लीटर रिवर्टन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 84.88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट कर देती है ये गाड़ी। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं,
फ्रंट एंड रियर में पावर विंडोज मिल जाते हैं और भी काफी सारे फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं। 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी फ्रंट एंड रियर में स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 4 स्पीकर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो वन ऑफ द प्रीमियम कार है अगर आपका बजट 8 लाख रुपीज के आसपास है। तो नंबर 1 गाड़ी की बात करें तो वो है ऑल न्यू टाटा पंच। टाटा पंच इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट वेरियंट के साथ आती है जो कि है इसका एडवेंचर रिदम वेरिएंट। एडवेंचर रिदम वेरिएंट में फीचर्स के मामले में आपको काफ़ी हटके फीचर्स मिलते हैं, लुक्स प्रीमियम मिलता है क्योंकि इसमें आपको ब्लैक कलर के काफ़ी स्टाइलिश व्हील कवर मिलते हैं जो कि आपको एलो व्हील्स की तरह दिखते हैं। काफ़ी प्रीमियम कार ये लगती है और काफ़ी ज़्यादा दिखने में यह प्रीमियम लगती है। बात करें पर्टिकुलरली एडवेंचर रिदम वेरिएंट के बारे में तो इसमें आपको 1.2 लीटर का रिवर्टर इंजन मिलता है जो कि 1199 सीसी का आता है, 84.48 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 18.97 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है और बाकी इसमें आपको 7 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। काफी प्रीमियम कार है दिखने में और वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है और नंबर 1 सेफ्टी कार है भारतीय बाजार में। सो बाकी टॉप 5 कार जो कि अंडर 8 लाख रुपीज में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। जल्दी हम टॉप 5 कार अंडर 8 लाख इन CNG के बारे में वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।